बड़े सियासी सरबराहान की बड़ी बैठक आइनी तरमीम पर नू लीग पीपल्स पार्टी और JUI में इतफाक राय हो गया। 26वीं आइनी तरमीम पर सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत का अमल रात गए तक जारी रहा। जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मेजबानी में सियासी जमातों के कायदीन की अहम बैठक हुई, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर जरदारी शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान JUI सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के वफद के हमरा जाती उमरा पहुंचे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI आइनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी से मिलेगी। पीपल्स पार्टी से मुजफ्फा आइनी तरमीम पर इतफाक राय किया था। नवाज शरीफ ने ईशाइये में दावत दी थी, सदर दरदारी भी आए थे। अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इतफाक राय कर लिया। दीगर मुजफ्फा तरमीम पर भी मुशावरत करेंगे। इब्तदाई तरमीम को मुस्तरद किया था, इसे आज भी मुस्तरद करते हैं। हुकूमती पार्टियों से JUI ने मुज़ाकरात किए, अहम मसाइल पर तफसील से बातचीत की तो मुल्क भी बचेगा, आइन भी बचेगा। हम लोग गए, बलावल साहब ने हमारी मेजबानी की और एक तवील मीटिंग में हमने मुजवजा आइनी तरमीम पर तकरीबन इत्तेफाक हासिल कर लिया था, ख़ास तौर पर अदलिया के इस्लाहात के हवाले से। और आज अपने शेड्यूल के मुताबिक हम मियां साहब के पास हाजिर हुए। उन्होंने बाकायदा आज फिर ईशाइये पे हमें दावत भी दी। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी तशरीफ लाए, जनाब बलावल भुट्टो साहब भी, उनके पार्टी के आला ओहदेदार भी, मुस्लिम लीग नून की क़ियादत भी मौजूद थी, जमीयत उलमाए इस्लाम की टीम भी मौजूद थी। और हमने इस सारी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। अदलिया के इस्लाहात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के शुक्रगुजार हैं, PP और JUI के दरमियान इतफाक हुआ था, आज तीन जमातों पर इतफाक हुआ। आइनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती, फौरी इंसाफ चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्लाहात के बाद अवाम को नजर आएगा कि आइन के दिफा के लिए क्या करते हैं। मुनासिब वक्त पर मुजवजा तरामीम को दोनों ईवानों से पास कराएंगे। तो जरूर मैं वकला से, लीगल फ्रटर्निटी से, सिविल सोसाइटी से, सियासी जमातों से इनपुट गुफ्तगु वो तो चलता रहा, मजीद इनपुट हम लेना चाहेंगे। जहाँ तक कोई मूवमेंट के सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये अपना पॉलिसी है कि एक दफ़ा हमने जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से वकला का बात सुना और अभी तक भुगत रहे हैं, तो अब इस बार आप इस बात का माफ़ी मुझे देंगे कि जबकि मैं ज़रूर इनपुट लेने के लिए तैयार हूँ, तजवीज़ लेने के लिए तैयार हूँ, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे बड़ों ने एक गलती की और ब्लैक कोट और ब्लैक रोब की धमकी में आके 19वीं तरमीम पास करवाया, वो गलती में आगे बढ़े। और आपको बताएं सेनेट और कौमी असम्बली के अजलास आज होंगे, जिनमें मुख्तलिफ बिल्स पेश किए जाएंगे। सेनेट का अजलास आज दोपहर 3 बजे होगा, जिसका 14 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। सेनेट अजलास के एजेंडे में आइनी तरमीम भी बिल पेश नहीं, अजलास में कमेटी रिपोर्ट्स और मुतादिद बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। मुजवजा आइनी तरमीम के मुसवदे पर इतफाक राय की सूरत में सप्लीमेंट्री एजेंडा आएगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का अजलास आज
आज शाम 4 बजे होगा। इजलास में वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर कौमी कमीशन बराए खवातीन एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगे। वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स पाकिस्तान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के क्याम का बिल पेश करेंगे। वजीर खारजा इसहाक डार कौमी असम्बली के इजलास में बायोलॉजिकल हथियारों की तैयारी और खरीदारी की ममानत से मुतालिक आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद का बिल ऐवान में पेश करेंगे। जबकि साल 2020 और 2021 के लिए काबीना डिवीजन अफवाह की पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी दार हुकूमत इस्लामाबाद में गैर मियारी तालीम पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। जबकि मुल्क भर में ज़ियाबीतस के मरीजों की बढ़ती तादाद से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आइन में तरमीम के खिलाफ कल जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने तमाम रीजनल और मकामी तंजीमों को ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर नमाज जुमे के बाद पुरअमन एहतजाज की हिदायत की। सियासी कमेटी ने बानी पीटीआई से रवा रखी जाने वाली ज्यादतियों की शदीद मजम्मत करते हुए उन तक रसाई देने का मुतालबा किया है। सियासी कमेटी के इलामे के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 26वीं आइनी तरमीम को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करार देते हुए कहा कि जब जोर जबरदस्ती और कैदो बंद से काम ना बना तो आइनी तरमीम लाई जा रही है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि यह एक चक्कर है जो घूमेगा, अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से हामिद खान अदालत पेश हुए। हामिद खान की जानिब से मुजवजा आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लेने की सदा की। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा किया कि आपकी खिदमात सिर्फ दरख्वास्त लेने के लिए है। दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। हामिद खान ने साफ, मुझे यकीन है आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि आप सिर्फ एतराजात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरख्वास्त भी, जिस पर वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि दरख्वास्त और एतराजात के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की मुजवजा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने इसहाक डार के बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में कहा गया कि इसहाक डार को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म का एजाजी ओहदा दिया गया। इसहाक डार वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने इस्तफसार किया कि इसी नौयत का जो पहले केस दायर किया गया था उस पर अदालतों के फैसले क्या थे। 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्री के खिलाफ फैसला दिया था। अदालत ने हिदायत की कि इस केस से जुड़ा जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड हो पेश किया जाए। तारिक मंसूर एडवोकेट का कहना था इसहाक डार की डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्री के खिलाफ कानून है। इसहाक डार डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्री का नोटिफिकेशन कलदम करा दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं SIFC की सहूलत कारी के बाद पाकिस्तान का पहला मल्टी मिशन सैटेलाइट पार्क सेट MM-1 कामयाबी के साथ
ऑपरेशनल हो गया है जो मुल्क की खलाई और डिजिटल तरक्की में एक अहम संग मील है। पाकसैट MM1 की कामयाबी पाकिस्तान के मवासलाती ढांचे में तब्दीली लाएगी जिससे मुख्तलिफ IT के शोबों को फ़ायदा पहुँचेगा। इस सैटेलाइट के जरिए दूरदराज इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी जिससे हुकूमत के डिजिटल पाकिस्तान के विजन को फ़रोग मिलेगा। पाकसैट MM1 इक्तसादी तरक्की और आलमी खलाई सनत में पाकिस्तान की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए एक अहम जरिया करार दिया गया है। इस सैटेलाइट के जरिए टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, कम्युनिटी इंटरनेट और टेली एजुकेशन जैसी खिदमात फराहम करके मकामी सनतों की तरक्की को फरोग मिलेगा। इस सैटेलाइट की मदद से मुख्तलिफ शोबों में तहकीक और जिद्दत की सहूलत मुहैया होगी जो मकामी चैलेंजेस के लिए जदीद हल तैयार करने में मददगार साबित होगी। SIFC के इस इकदाम से दूर दराज के इलाकों की कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी और उन इलाकों के रिहायशियों के लिए बुनियादी सहूलियात तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। आगे बड़े और आपको बताया सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में स्मॉग तदारुक मुहिम के दौरान 23,000 गाड़ियों के धुआं छोड़ने पर 2,000 के चलान कर दिए गए जबकि 6,000 से जायद गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया। रात के वक्त आबो हवा को गिर्द आलूद करने वाली 42-32 ट्रैक्टर ट्रालियों को चलान टिकट जारी किए गए जबकि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट 22,490 जबकि 525 इंतहाई खस्ता हाल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल करवाए गए। स्कूल कॉलेजेस बस अड्डों और सरकारी और नीम सरकारी इदारों में 2,000 से ज्यादा आगाही। आगे बढ़े और आपको बताएं सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में स्मॉग तदारुक मुहिम के दौरान 23,000 गाड़ियों के धुआं छोड़ने पर 2,000 के चालान कर दिए गए हैं जबकि 6,000 से ज्यादा गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया। रात के वक्त आबो हवा को गिर्द आलूद करने वाली 4,232 ट्रैक्टर ट्रालियों को चालान टिकट जारी किए गए जबकि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट 22,490 जबकि 525 इंतहाई खस्ता हाल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल करवाए गए हैं। स्कूल कॉलेज बस अड्डों और सरकारी नीम सरकारी इदारों में 2,000 से जायद गाही लेक्चर्स भी दिए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से भी चलानिंग का आगाज कर दिया गया है जिसकी मदद से 4,000 से जायद चलान टिकट्स जारी किए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत ने उनके मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती में मुदाखलत करके एक खौफनाक गलती की है। हमें कनाडा के लोगों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए जवाब देना होगा। सिख अलैदगी पसंद रहनुमा के कत्ल की साजिश में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 6 भारतीय सफारतकारों को मुल्क बदद करने के बाद ट्रूडो ने अपने बयान में कहा कि भारत कनाडा में भारतीय मुखालफीन को निशाना बनाने की वसी तर कोशिशें रहा था। कमेटी के सामने तफसीली रिमार्क्स में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि कनाडा भारत के साथ अपने कीमती ताल्लुक को तबाह नहीं करना चाहता था लेकिन हरदीप सिंह के कत्ल के बाद हमें वाजे और अब मजीद वाजे इशारे मिले हैं कि इंडिया ने कनाडा की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिन ट्रूडो ने मजीद कहा कि इंटेलिजेंस मालूमात में यह बात सामने आई है कि मुखालिफ सियासी जमात कंजर्वेटिव पार्टी भी गैर मुल्की मुदाखलत की कोशिशों में शामिल थी या शमूलियत का आला खतरा मौजूद था। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन हुकाम ने सबसे पहले नई दिल्ली में 2023 के G20 सरबराही इजलास के दौरान निजार के कत्ल के मामले को उठाया था।
गजा से मेडिकल के 16 फलस्तीनी तलबा का तीसरा ग्रुप इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। कहरे में पाकिस्तान के सफारतखाने के मुताबिक ये तालिब इल्म पाकिस्तान के मेडिकल इदारों में अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। गजा से ताल्लुक रखने वाले 192 फलस्तीनी मेडिकल तलबा में से अब तक गजा से 104 फलस्तीनी तलबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ और डेंटल इंस्टीट्यूट में अपनी तालीम जारी रखने के लिए मिस्र से पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुरबत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में गुरबत के खात्मे का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद तरक्की पज़ीर ममालिक से गुरबत का खात्मा और गरीबों का मियार ज़िंदगी बेहतर बनाना है। अक़वामे मुत्तहिदा के तय करदा पायदार तरक्याती अहदाफ में पहला हदफ दुनिया भर से गुरबत का खात्मा है। तहम ये हदफ ताहाल तकमील से कोसों दूर है। पाकिस्तान की एक तिहाई से ज़्यादा आबादी गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, जिसे और तालीम की बुनियादी सहूलियात समेत एक मुनासिब मियार ज़िंदगी मुयस्सर नहीं। गुरबत के साथ बेरोज़गारी और माशरे में जराइम भी बढ़ते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के जारी अदादोशुमार के मुताबिक आलमी आबादी का 7% यानी तकरीबन 575 बिलियन लोग 2030 तक इंतहाई गुरबत का शिकार रह सकते हैं। गुरबत के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। साहिब हैसियत अफराद की अखलाकी और समाजी जिम्मेदारी है कि ज़रूरतमंदों अफराद की मदद किया करें।